एक और खबर भी देनी है। क्या हुआ? ओए यार, नहीं यार, ये दरख्त गलत जगह लगा हुआ है। मार दी गाड़ी। वो गाड़ी ना मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी गाड़ी मुझे ये पसंद थी ना। ये देखो यार, दरवाजों के शीशे का ऑर्डर में दे के आ गए हूँ। 1,15,000 रुपए टोटल हमारा बिल बने। वो कह रहे हैं अब आप घर जाए, बाकी टेंशन हमारी। दूसरा यार, गाड़ी में खामोशी देखो कितनी हुई हुई है। सुबह से यार मामा ने शोर डाला हुआ था कि मेरी गाड़ी ठीक करवा के लेके आओ, तो पहले मैं दुकान पे गया, उसके बाद मैकेनिक के पास बैठा हुआ था। वाटर बॉडी का मसला था, उसने सारा मसला सॉल्व कर दिया। आप देखो यार कितने स्मूथली ये है लो, गाड़ी फुल भाग रही है, मजे की होगी। ये यार दुकान पे आ गया हूँ दिल्ला लेने। हाँ ये हुआ हुआ तैयार पड़ा हुआ। ये ऊपर जो ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा होता है ना, ये सारी शीट होती है। ये मशीन में रखते हैं ना, तो इस तरह ये साइड के ऊपर एजिंग वगैरह हो जाती है। और इस जगह के ऊपर हमने अपना बॉर्डर लगवाने है, किचन है हमारा। इसे छोड़ो यार, मामा ने अपना ही छोड़ डाला होता। कह रही थी पूरा घर तुमने बना लिया, लेकिन मेरी गाड़ी तुमसे ठीक नहीं होनी। लेकिन गाड़ी उन्हें नहीं पता, लेकिन मैंने बिल्कुल A1 करवा दी। ये देखो गाइस यार, पाकिस्तान में फ्रेश ऊंट का दूध मिलता है इस तरह। क्या पूछते हैं इनसे क्या रेट चल रहा है? दूध किस तरह मिलता है? दूध? हाँ जी, 300 का लीटर है। 300 का लीटर? नहीं तो लीटर देगा ये? जा पूछ क्या। अच्छा चलो मैं वापसी पे लूंगा। 300 रुपए लीटर फ्रेश दूध ऊंट का। और इस ऊंट के दूध के नोट पे हम स्टार्ट करना चाहते हैं आज का व्लॉग, तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। यार गाइस, इस घर की मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं किस वक्त खत्म होगा जाके। मेरे ख्याल से मुझे अंदर खुद इधर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके घर खत्म होगा। आखिरी कुछ दिन रह गए थे गाइस फ्री कॉफी के, मैंने कहा यार फ्री कॉफी एंजॉय कर लो। और यार पहले इंजन में से इतनी आवाज आ रही थी ना, आप देखें बिल्कुल ही गाड़ी ठीक हो गई। टाइम चेक करें यार, शाम के 4:30 बज गए, अभी तक खाना भी कोई नहीं खाया। बशूम करके घर पहुंचे, खाना खाते हैं कि बाकी का अपना दिमाग जो रह गया ना वो थोड़ा बहुत चलता रहे। ब्लॉग्स भी यार काम आजकल इस वजह से आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँ इस घर के काम को जल्दी से रैप अप कर लूँ, क्योंकि आगे रोजे आ रहे हैं। और आपको पता तो है आपका भाई रोजे शोजे पूरे रखते हैं, तो उस वक्त ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। लास्ट रमजान में मुझे पता है ना यार, बड़ा मुश्किल से ये काम करवाए जाते हैं कि भूख शूख बड़ी लग जाती है। चाचा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता है हर वक्त। गाड़ी ठीक होगी, आवाज देख रहे बंद होगी अब। लाइट भी ठीक हो गई है, इधर इंजन से भी आवाज आ रही थी। और इसकी लाइट का ही मसला था, ये वाली लाइट थी, ये भी मैंने नई लगवा दी है। इसमें लाइट नई नहीं लगवाई, कवर नया लगवाया। केक साहब कुछ खाने को दे दे यार, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया। गैस नहीं है। गैस भी नहीं है। और एक और खबर भी देनी है। क्या हुई? क्या हुआ? तुमने मेरी गाड़ी ठीक करा दी, तो मैंने तुम्हारी मार दी। असल में हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। आ दिखाऊं तुम्हें। हंस क्यों रही है? हाँ खुद तो ही लगी। एक तो तुम लोगों ने दरख्त गलत जगह लगवाया हुआ। ओ गाइस ये क्या हो गया यार, गाड़ी ठीक है ऐसी कह रही है यार, ऐसी ठीक है। ओए यार नहीं यार, ये दरख्त गलत जगह लगा हुआ है। हाँ दरख्त में मार दी गाड़ी। हाँ ये बैक किया ना, इसमें मार दी। इतना बड़ा दरख्त किस तरह नजर आया आपको? मैं देख रही हूँ गाड़ी तो नहीं पीछे खड़ी, तो गाड़ी तो नहीं, तो दरख्त मैंने देखा। यार गाइस ये तो अपनी खास खास गाड़ी थी यार, इसको इन्होंने तबाह कर दिया यहाँ से। शुक्र करो बच गई यहाँ से। वल्ला बचाया क्या इसमें आपने? ओ यार ये देखो यार गाइस, ये देखो छिलके उतर गए बेचारी के। ये क्या किया मामा, कसम से पूरी अंदर खड़ दी है इधर से। तो मैंने कहा ना दरख्त सही जगह लगवाना था। उधर से मेरे बाप को भी बुला दिया है, देखें तमाशा ही क्या कर दिया मैंने, कसम से यार। इतनी ज्यादा वैसे नहीं लगी, इतनी ज्यादा नहीं लगी। इधर से ये पूरी अंदर हो गई है और इधर से ये सारा पेंट फट गया। ये देखें छिलके बन गए इसके। तुम और फाड़ते जाओ तो वो फट जाएगा। बाकी इधर से कसम से आगे नहीं, आगे से ये देखें क्या कर दिया। ये बड़ा वो टेक्निकल जगह से हो गया ना, टर्निंग है, डेंट तो निकल जाएगा, पेंट का क्या करेंगे, वो दूसरा पेंट करवाना पड़ना है। देखें सारा छिलका बन के उतर है। तुम इधर घुसा के रखते हो, मैं बैक कर रही थी। तो बैक उधर से गाड़ी इधर से इधर आने में 30 फुट का डिफरेंस, आपने उधर से आंखें बंद करके रिवर्स किया। गाड़ी नजर में रख रही थी मैं, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी थी। तो गाड़ी की इतना बड़ा दरख्त नहीं नजर आया? नहीं नजर आया, ये देखो दरख्त को भी लगी हुई। ओहो गाइस ये भी लगी हुई है, और ये भी यार आप लोगों को पता ही नजर आ रहा है कि नहीं, ये भी डेंट बन गया इधर से, ये भी पेंट अब फट जाएगा इधर से। मैं तो कहीं लेके ही नहीं गई, मैं तो वो टैंकर आ रहा था तो मैंने बैक किया। यार इधर मामा इस जगह पे गाड़ी खड़ी की हुई थी गाइस, ये देखें मैं तुम लोगों को समझाता हूँ गाड़ी खड़ी कहाँ थी। ये यार अपनी अजीमो शान वाली एंट्रेंस है ना, इधर से हम लोग जब एंटर होते थे इधर गाड़ी खड़ी, इधर से मैं भाग के भी जाऊँ ना, ये देखो इस जगह पे ये दरख्त है। इतना दूर आपने रिवर्स कर दिया, तो आपने पीछे ही नहीं देखा? नहीं मैंने देखा, ये थी गाड़ी इधर खड़ी थी ना। हाँ तो गाड़ी इधर ही थी, बीच में ये भी तो थी ना। तो मैं इसको बचाते बचाते पीछे ले गई, तो मैंने कहा उधर करती हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आई। आपका कसम से चेक करवाना पड़ेगा, ये पियो मेरा आपके बना देता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, ये फंस गया सी है। ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी वालों से चेक करवाता हूँ जाके आपका। कोई
आपकी गाड़ी मैंने ठीक कराई है ना मेरी, अब आप जाके कराए कसम से मामा। हर इंसान की अपनी एक खासम खास गाड़ी होती है, ये जो है ना ये हमारी खासम खास गाड़ी थी, इसका हमने बड़ा टेक केयर किया है, लेकिन यार बेचारी को कहीं की नजर ही लग गई है। वैसे तो अपनी वो भी खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी ना मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी गाड़ी मुझे ये पसंद थी ना। इस गाड़ी में ना जो भी कहीं पे जाता था ना तो मुझसे पूछ के जाता था कि ऐसा ना हम तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये देखो यार कितना दुख हो रहा है, ये देखो यूं पेंट उतर रहा है इसका यूं। अच्छा चले इसको छोड़े, रात को मैं जिस वक्त आपको बताया था 4 बजे सुबह मैं गीजर बंद करने गया हूं। तो सुबह 4 बजे ना वो खिड़की के बाहर जो जगह है उधर से एक चीज जो है ना यूं मुड़ी, कसम से अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मजाक नहीं कर रहा। और मैं 5 मिनट उधर खड़ा हुआ देखता रहा, मैंने कहा यार मेरे ख्याल से पक्का कोई चोर शोर इस तरह का कोई बंदा है, लेकिन चाचा चाचा का इधर खड़ा होता है तो चोर शोर का तो चक्कर कोई नहीं इधर, लेकिन भाई साहब जरूर कुछ ना कुछ है इधर। आके ही आप लोग आएंगे आपको पता चलेगा, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से कुछ ना कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाल के पीछे उधर। हाँ कसम से वैसे 4 बजे मैंने कहा शेख साहब का बिल ज्यादा ना आ जाए, जैन भूत कोई ना कोई कुछ है यार। गाइस यार गाइस इस जगह पे एग्जैक्ट वो शेडो था और वो शेडो इधर से एग्जैक्ट मुड़ा था, मजाक नहीं कर रहा, कसम से कुछ ना कुछ तो था। खाना दे दे मुझे, खाना क्या ना करे ना खाना दे कुछ। गाइस ये चेक करो इधर इतनी ज्यादा चिड़िया है ना, ये सारी चिड़िया जो है ना ये पापा ने पाल ली है, मतलब पापा ने इस तरह पाली है ना, पापा ने इधर रोज इसको खाना डालते हैं, इधर खाना पानी सब कुछ डालते हैं, इधर आके खाना खाती हैं, देखना अभी आती जाएंगी, रहना इन्होंने पक्का इस जगह पे शुरू कर दिया। लेकिन यार गाइस आज दुख जो है ना अपना सारा अपनी डिस्को का मुझे बहुत दुख है यार, अपनी खसम खास गाड़ी थी यार, खसम खास। मैं तो कहता हूँ इसको अब इसी हाल में भेज देते हैं, कोई BMW CMW का बंदोबस्त करें तो BMW CMW भेज के BMW लेते हैं। हाँ तो थोड़े से ही पैसे डालने होंगे, कुछ साल ना ये अच्छी कोई गाड़ियाँ जो है ना आपके भाई की किस्मत से बहुत दूर है, क्योंकि और बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसे हमने डालने, गाड़ियाँ अभी हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। खाने में गाइस मामा ने कड़ी दी है और खुद इधर आके बैठ के शो देख रही है जो आज इन्होंने हरकत की है। ये इधर से मामा जा रही है ये काम करने, हंस क्यों रही है आगे तो मुझे समझ नहीं आ रही, खुद पता नहीं चलेगा दरख्त बीच में था, मैंने कहा ये वाली गाड़ी बच जाए तो मैं पीछे करके इस तरह बैक कर रहा हूँ इसको। इधर से तो गाड़ी आपने आराम से सही निकाली, सही है गाड़ी इधर से दूसरी गाड़ी इन्होंने बचा ली है सही करके, और उसके बाद इन्होंने पीछे देखा ही कहीं नहीं है गाड़ी बचाइए था, ये जिस जगह लगी है ना गाड़ी उस जगह जाके इन्होंने गाड़ी रोकी अपनी, मुझे वो डिस्टेंस का अंदाजा ही नहीं हुआ कि ज्यादा होगा। उन्होंने गाड़ी पर उस गाड़ी को बचाए और उसके बाद बस गाड़ी पर पीछे जाने दिए, जब कोई चीज लगेगी तो खुद ही आवाज आ जाएगी था, नहीं मुझे लगा चीज ही कोई नहीं है पीछे। वो देखो यार पापा की चिड़िया कितनी ज्यादा इकट्ठी हो गई, कोई बात नहीं है तो अपनी माई जब इतना हम काम करवाते हैं तो ये भी काम एक एक्स्ट्रा ये काम भी एक्स्ट्रा करवा लेंगे, और मेरे ख्याल से हर काम जो होता है ना वो अल्लाह की मर्जी से होता है माशाल्लाह। ये टेक्निकली ना पापा ने ये ब्लैक वाली क्रोला लेके जानी थी ना, पापा ये गाड़ी लेके जाना भूलते ना घर में पानी खत्म होता, ये पापा की गलती है ना घर में पानी खत्म होता ना पानी के टैंकर ने आना होता ना जलाल साहब नीचे उतरते ना मामा को कहते, तो जैसे मैं अपनी डिस्को के लेके जाने के बजाय मैं वो वाली क्रोला ले गया इस वजह से मामा को उठानी पड़ी, तो इसमें गलती मामा की नहीं है गलती पापा की है। पापा की गलती के नोट पे मैं एंड करना चाहता हूँ आज का व्लॉग, अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके मामा कह रही है गलती आपकी है जो गाड़ी लगी है, आपने लेके जानी थी सुबह ये गाड़ी आप लेके नहीं गए।